शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें हर लहर में हर पल।
मन के विस्तार को समेट ले, मस्तक के बीच अपने निराकार आत्मा स्वरूप में केंद्रित हो जाइए। मस्तक के ऊंचे तख्त पर विराजमान मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इन कर्मेंद्रियों का राजा इस शरीर का मालिक मैं दिव्य शक्ति आत्मा मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। शक्ति पुंज हूं। ए पॉइंट ऑफ लाइट and might, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही मेरी सही पहचान है। जो देखने में आ रहा है वो मेरा बाह्य स्वरूप है। शारीरिक प्राकृतिक स्वरूप है।
जो परिवर्तनशील हैं। जो विनाशी नाशवंत स्वरूप है, अपने असली अविनाशी स्वरूप में मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, शुद्ध और पवित्र हूँ। मैं आत्मा शांत और स्थिर प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है। हर एक आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चला रही है। हम सभी आत्माएं एक ही पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा संबंध से हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। चिंतन से ही होगा
जैसे ही मैं हरेक के प्रति आत्मिक वृत्ति रखती हूँ, देहभान से उत्पन्न सारे ही भेद समाप्त हो जाते हैं। मेरी आपस में रूहानी दृष्टि बन जाती है। अब मेरे लिए सारा विश्व एक परिवार है। सबके प्रति मेरी शुद्ध रूहानी दृष्टि है। मुझे स्वयं आत्म
आत्मा स्मृति में रहना है, मुझे सर्व को आत्मदृष्टि से देखना है, मुझे हरेक कर्म आत्मधर्म में स्थित होकर के करना है। हम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। मुझे हर कर्म शांत चित्त से और शुद्ध वृत्ति से करना है। जैसे ही मैं आत्मा स्थिति में स्थित होती हूँ, शांति के और शुद्धि के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं।
अपने आत्मा स्वरूप में एकाग्र हूं। मुझे अपने स्वरूप में ही आनंद है। निजानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निज ज्ञान स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा। ज्ञान सागर की गहराई में, ज्ञान सागर की गहराई में मैं खोता ही जा सागर की गहराई में मैं खोता ही जाऊं। अंतर्मुखता की गुफा में सुख घनेरा पाऊं। ज्ञान सागर की गहराई ज्योतिर्बिंदु बाबा आपने ऐसी ज्योति जगाई, तू है ज्योतिर्बिंदु आत्मा बिसरी याद दिलाई। ज्ञान सूर्य की सागर की गहराई में मैं खोता ही जाऊं। ज्ञान सागर की गहराई में, ज्ञान सागर की गहराई। जैसे ही आत्मस्वरूप में
स्थित होती हूँ। मेरा नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाता है। अब मैं इस देह और देह की दुनिया से परे शांति धाम में हूँ। जो मेरा असली घर है, जहां मैं आत्मा शांति की स्थिति में स्थित हूँ। सर्वत्र शांति व्याप्त है। शांति ही शांति है। मैं मन की आंख से ज्ञान के नेत्र से अपने कल्याणकारी अविनाशी पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा की अति प्रिय हे परम पिता, आपको पाकर मेरा सद्विवेक जाग उठा है।
मेरे सारे संशय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब मैं पूर्ण विराम की स्थिति में हूं, अपने आप में एकाग्र प्रभु के प्यार में एकाग्र। मेरी मनोवृत्ति में केवल एक आप शिव बाबा हैं और कोई नहीं। मेरे सर्व संबंध एक आपसे है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक आपसे है। प्यारे बाबा, आप ही मेरा सर्वस्व है, संपूर्ण संसार है। जीवन के साथी और सारथी
की याद का आनंद। मुझे समेट लेता है, आपका हाथ और साथ मेरी जीवन नैया को पार लगा रहा है। निश्चिंत और सुरक्षित हूँ। मैं आपको याद करती हूँ और आप मेरे साथ हो जाते हैं।
आपकी सर्व शक्तियां मुझे निर्भय बना देती हैं। मेरे जीवन के अविनाशी सहारे मेरे हर क्षण के साथी शिव है और मैं आपकी शिवमयी शक्ति
आपने मुझे विश्व कल्याणी बना दिया। मुझे स्वयं के सुधार के साथ विश्व का उद्धार भी करना है। मैं बाप दादा के साथ वतन से ही विश्व को देख रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं का शिव बाबा से मिलन कराना मेरा कर्तव्य है। विश्व की आत्माओं का आह्वान करती हूँ और शिव बाबा के प्रति इशारा करती हूँ। प्यारे बाप दादा से प्राप्त
संपूर्ण ज्ञान। सर्व गुणों का खजाना, सर्व शक्तियों का भंडार, सारी सूक्ष्म और दिव्य अनुभूतियां विश्व की आत्माओं को भी बांटनी है। समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन।